रावण किसी की प्रशंसा नहीं कर सकता, लेकिन आज हनुमान जी की प्रशंसा करता है। आ मेरी मस्तिका का प्रहार, बलवान तो तू है। हनुमान ने कहा अब हम तैयार हो जाए। रावण के प्राण सूख गए, प्राण सूख गए। 20 भुजाओं का जिस पर पूरी तरह से बल प्रयोग करने पर जिसका बाल भी बांका न कर पाया, अब वो अपना प्रहार करेगा तो मेरा क्या होगा। हनुमान जी ने मुष्टिका उठाई, यो हाथ यो किया, एक दो। रावण अपनी एक एक आंख बंद करे, तीन चार, ये रावण सावधान। हनुमान जी ने केवल यो किया, इतना ही किया, रावण मूर्छित होकर रथ पर गिर पड़ा। मूर्छित होकर के गिर पड़ा रथ पर साहब। और रावण के सामने जब तक खड़े रहे हनुमान जी, रावण जब उठा तो हनुमान जी, रावण कहता मैं जिंदा हूं। बोले इसी बात का अफसोस है कि तू अब तक जिंदा है। रावण, अगर रघुनंदन राम का आज्ञा में रुकावट ना होती, धिक्कार तो मेरे ऊपर है कि मेरी मुष्टिका का प्रहार पड़ने के बाद भी तू जिंदा बैठा हुआ है। ये है हनुमंत लाल, ये है हनुमान जी की शक्ति। चारों युग में श्री हनुमान जी का प्रताप है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, परसिद्ध जगत उजियारा। और हनुमान जी हैं कौन? राम जी के द्वार के रखवारे हैं। राम द्वारे तुम रखवारे हो, तन आज्ञा बिनु पैसारे। राम द्वारे तुम रखवारे हो, तन आज्ञा बिनु पैसारे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमान द्वारपाल का सम्मान है। वामन भगवान भी द्वारपाल बने हैं। लक्ष्मी माता आती हैं और एक साधारण दुखियारी बहन का रूप बना करके रोती हैं। बलि निकल करके आता है, रोने का कारण पूछता है, कहते मेरे कोई भैया नहीं है, रक्षाबंधन के दिन रोती हूं, बांध मेरे हाथ में कलावा। बलि हाथ आगे करता है, बहन राखी बांधती है, माथे पर तिलक करके मिठाई खिलाती है। भैया से कहती है, भैया नेग मांगले क्या चाहिए, जो मांगूंगी तू देगा। अरे तू जो कहेगी बहन, बहन मांगे और भाई ना दे, बता बहन क्या चाहिए। कहा कि एक काम करो, मेरे पति को मुझे लौटा दो, जो तुम्हारे दरवाजे पर द्वारपाल बन के खड़े हुए हैं। बलि कहता है तू कौन है? माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जने। बोलिए महालक्ष्मी माता की। बलि कहता है महारे ठाकुर, तुम भी छलिया, तुम्हारी लुगाई भी छलिया, पूरा खानदानी छलिया है। बोले क्यों? राखी बांध करके आज ये तुमसे मुझसे तुमको ले जा रही है। बोले रिश्ता बनाकर जा रही है, आज से तू मेरा साला हो गया है। चिंता मत कर, जब बुलाएगा तब आऊंगा, और कोई भी धर्मानुष्ठान तेरे नाम के बिना पूरा ना होगा। आज भी जब कलावा बनता है तो यही कहते हैं, इन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्र महाबल तीन मनुवी रक्षे मा चल मा चल। और उसके बाद ये प्रसंग सुनाता, हमने तीन प्रसंग सुने आज। गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष क्या है? एक साध है सब सद है,
सब साधे सब जाए। ये सूत्र समुद्र मंथन क्या है, कण कण में भगवान को देखना, और बलि वामन प्रसंग क्या है, संकट के समय पर भी अपने वचन का पालन करना। आपने किसी को वचन दे दिया तो उससे मुखरिए मत, पालन करिए उसका। इसका नाम है बलि वामन चरित्र। और चौथा प्रकरण अध्याय है वो है मीनोपाख्यान मत्स्य अवतार। मछली से हमने एक चीज सीखी है, क्या सीखी मछली से, मछली से हमने ये सीखा, मछली शरणागति की प्रतीक है, शरणागति की। शरणागति सीखनी हो तो मछली से सीखो, कंप्लीट सरेंडर अगर सीखना हो तो मछली से सीखो। मछली से क्या सीखने को मिलता है, मछली पानी को समर्पित होती है। उसको कहो कि तू दूध में आ जा, कहो कि मक्खन में आ जा, घी में आ जा, मछली रह नहीं सकती। चाहे कितना भी महंगा दूध और घी और खूब हो, लेकिन मछली पानी को त्याग नहीं कर सकती। वैसे ही जो भगवान की शरणागत हो जावे, उनके लिए अगर संसार की संपत्ति भी मिल रही हो तो भी भगवान के चरणों को छोड़कर के संसार की संपत्ति की ओर नहीं देखना चाहिए। यही शरणागति है। लोग बड़े ढीले पड़ गए, ये शरणागति से सीखो। त्रिभुवन विभव हेप्य वेप्य कुंट स्मृत जिता तो सुरादर ने किया। सारे संसार की संपत्ति एक, त्रिभुवन की संपत्ति एक तरफ और भगवान के चरणों की भक्ति एक तरफ, उसको छोड़कर के संसार की ओर। अभी हमारे रामेश्वरम में जब कथा पक्की हुई, ये लुधियाना वाले बैठे हैं जानते हैं, विदेश की कथा आई यूरोप की, और हम जानते हैं यूरोप जाने को मिलता तो टीम भी जाती, दक्षिणा से मिलनी वो तो वहां भी यहां भी मिलेगी मिलेगी जो जिसको मिलनी है। लेकिन हमारी रामेश्वरम की कथा, तो कहा कि महाराज रामेश्वरम की कथा आगे पीछे कर लो, मैंने तुमसे पहले पक्की हो रखी है, छोड़ सकते नहीं है रामेश्वरम की कथा, हम छोड़ सकते नहीं, पहले पक्की हो रखी है। और तीर्थ मिल रहा है, विदेश तो भोगों की भूमि है, कभी भी चले जाएंगे लेकिन तीर्थ नहीं। और फिर भी अगर आपको तीर्थ, आपको विदेश घुमाना है, कथा करवानी है और हमसे करवानी हो, तो आप अपनी तारीख आगे पीछे कर लीजिए। तो कहा हमारा टिकट बुक हो चुकी है, सब कुछ बुक हो गया है। मैंने कहा इस बार किसी और को ले जाइए, फिर हम रामेश्वरम जैसे धाम की कथा और राम कथा जैसे पवित्र ग्रंथ की कथा को छोड़ करके और फिर हम उधर नहीं जाएंगे। ये है संसार की सबसे, भगवान की शरणागति सबसे बड़ी। कितनी बड़ी संपत्ति मिल रही हो, पहले भगवान को पढ़ो नारायण। उसके बाद में नवम स्कंद है, नवम स्कंद में ईशस्य ईशानु कथा है, भगवान के भक्तों के चरित्र है। इसमें ऐसे ऐसे चरित्र लिखे हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन है। मैं इस कथा को तो 10 मिनट में विश्राम करूंगा, विश्राम नहीं, इस अध्याय इस स्कंद को, विश्राम तो होगा आज कृष्ण जन्म है। नवम स्कंद को मैं 10 मिनट में 15 मिनट में विश्राम करने वाला हूं, और उसके बाद दशम स्कंद श्री कृष्ण कथा प्राकट्य में प्रवेश करूंगा। सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन नवम स्कंद में है। सूर्यवंश में भगवान रघुनंदन राम का प्राकट्य है, और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का प्राकट्य है। और राम और कृष्ण के भक्तों की जो लीला और चरित्र है, कथा है, इसी का नाम ईशानु कथा है। इसमें भक्तों के चरित्र है। एक भक्त ऐसा है जिसका नाम है शर्याती, जिसकी कन्या है सुकन्या। चवन मुनि का अपराध बन गया, जब ऋषि के आश्रम में गए तो सुकन्या जो है अपनी सहेलियों के साथ आश्रम में पीछे जाती है। जुगनू की तरह प्रकाश होता हुआ एक पूरा मिट्टी का ढेर है, उसके बीच में जुगनू का प्रकाश देखा इस कन्या ने। बबूल के दो कांटे लेकर इसमें डाल दिए, रक्त की धार बहने लग गई, और महाराज सबके मलमूत्र रुक गए।
इस मिट्टी के ढेर में चवन मुनि तपस्या कर रहे थे और जुग्न की तरह जो प्रकाश हो रहा था ये उनके नेत्रों का प्रकाश था। सुकन्या ने अनजाने में गलती से इनके नेत्र फोड़ दिए। ऋषि के क्रोध से भयभीत शरयाती शरणागत होते हैं। कहा कि मैं आपके नौकर सेवक आपको दे देता हूं आपके लिए। कहा कि नौकर नौकरी कर सकते हैं, सेवा तो पत्नी करेगी। शरयाती की पुत्री सुकन्या ने पत्नी की भूमिका निभाने का वचन दिया कि मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूं। सुकन्या पत्नी बनी है चमन मुनि की और महाराज इतनी सेवा करी है कि उनकी भक्ति से, पति की भक्ति से, अपने ऋषि पति की भक्ति से सुकन्या ने देवताओं के वैद्य उनको भी भूमि पर पतित कर दिया, गिरा दिया, उनका भी पतन हुआ। और क्षमा मांगते हुए भयभीत होकर के इन्होंने अश्विनी कुमार इन्होंने महाराज चवन मुनि के नेत्रों को वापस दिलाने का, प्रकाश दिलाने का वचन दिया। और चवन मुनि के जो नेत्र वापस आए हैं जिस औषधि से, उस औषधि का नाम आज दुनिया चवन प्राश के नाम से जानती है। अब आज का चवन प्राश और हम उस समय के चवन प्राश में जमीन आसमान का अंतर है। देखो औषधि में शक्ति कम नहीं होती, लेकिन आज के समय जो निर्माण हो रही औषधियां उनमें और उन औषधि में अंतर कितना बड़ा था कि पहले के समय जो औषधि निर्माण होती थी औषधि तोड़ने का भी मुहूर्त होता है, नक्षत्र होते हैं उनसे विनती करके औषधि प्राप्त की जाती है। और आजकल तो लेने वाले तोड़ डालेंगे, बेचने वाले बेच देंगे, खरीदने वाले खरीद लेंगे, बनाने वाले बना देंगे, तो उसकी जो शक्ति है वो उतनी काम नहीं करती। महाराज उसके पश्चात में इसी वंश में भगीरथ हुए जो गंगा को लेकर के आए हैं धरती पर, सूर्य वंश में, इसी वंश में अम्बरीश हुए हैं जिन्होंने अपनी भक्ति का परचम लहराया, दुर्वासा जैसे संत को भी कहना पड़ गया अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में, आज मैंने भगवान के दासों का महत्व देख लिया। ये क्या है, यह भक्ति अम्बरीश की जो भक्ति है ये सर्वत्र भगवान देखते हैं। और इनके जीवन में विनय है, विनम्रता है, ये अम्बरीश से सीखा। और भगवान की सेवा स्वयं अपने हाथ से करने की लालसा है। आज कह देते हो पंडित जी कर लेंगे पूजा, ये कर लेंगे, लड्डू गोपाल की सेवा अपने हाथ से कर लो, बाकी सब और लोग करना चाहे करें लेकिन अपने हाथ से भी ठाकुर की सेवा होनी चाहिए। पंडित तो करेगा लेकिन पंडित पूजा कर सकता है, अगर प्रेमी होगा तो सेवा हो पाएगी, नहीं तो सेवा नहीं हो पाएगी। ये हकीकत मानो। हमारे यहां ठाकुर बाड़ी में विद्यार्थी आते हैं, जब ठाकुर जी की छवि दिखती है ऐसी, अब हमारी धर्मपत्नी हमारी माताजी खुद ही बोलती है हम खुद ही करेंगे सेवा, उनको चमकाते हैं ठाकुर को, ठाकुर चमका दो। सेवा अपने हाथ से है और सेवा करने का फल है। अगर कहे जैसी करोगे सेवा वैसी पाओगे, लाला बाबू का मंदिर है वृंदावन में, एक पुजारी जी थे, ठाकुर से प्रेम तो बहुत करते थे, सेवा भी करते थे, लेकिन अब आ गया बुढ़ापा, बुढ़ापे में सेवा कमजोर होने लगी। सेठ जी ने कहा कि नया पंडित बैठवा दूं, ना ना बाबू मैं कर लूंगा कर लूंगा। पंडित भी तो ये चाहेगा अगर मेरी जगह दूसरा आ गया तो मेरी दक्षिणा भी मारी जाएगी, वृत्ति मारी जाएगी, मैं कर लूंगा। एक और भोग लगता था ठाकुर के, तो वो प्रसाद जो है वो सेठ जी के पास जाता था। 70 वर्ष की अवस्था हो गई, पुराना जीवन था इसलिए बहस करने वाली प्रवृत्ति नहीं थी। आज की अगर बात करो तो आज पंडित तुरंत बहस कर जाएंगे, पहले के पंडितों में सहनशीलता होती थी, बहुत सहनशीलता होती थी ब्राह्मणों में, आज सहनशीलता खत्म हो रही है सब में। महाराज सेठ जी ने जैसी देखी थाली तो उसमें सफेद बाल दिखाई दे गया, सेठ जी को थोड़ा गुस्सा आया। सेठ जी ने कहा पंडित को बुलाओ, यहां बुलाओ पंडित। बोले सेठ जी नाराज हैं आपको बुला रहे हैं। अब बेचारे कांपते कांपते गए, मुझसे कौन सा अपराध बन गया, सेवा मन से करते थे, कौन सा अपराध बन गया। बोले पंडित जी एक बात बताओ, आप ठाकुर जी की सेवा करते हो,
जी मन से करता हूं, बिल्कुल मन से करता हूं। मन से करते हो, भोग लगाते हो तो कम से कम बाल अपने बांध लिया करो। आपके बाल ठाकुर जी के भोग में गिरते हैं, ठाकुर जी को भोग में बाल खिलाते हो। पंडित जी ने कहा मेरे बाल नहीं गिरते, नहीं मेरे बाल तो सही है। बोले ये क्या है? पंडित जी के मुंह से घबराहट में बात निकल गई। बोले मेरे बाल नहीं, ठाकुर के बाल गिर गए होंगे, मेरे बाल नहीं गिरे। तो सेठ जी ने कहा ठाकुर के बाल काले होंगे कि सफेद? तो घबराहट तो इतनी हो गई, मुंह से तो निकल गया जो निकलना था। फिर कहा कि मेरे बाल पहले काले थे, अब सफेद हो गए, ठाकुर जी के भी तो काले से सफेद हो सकते हैं। अब पंडित जी को यह नहीं मालूम था कि सेठ जी कहेंगे बग्घी निकालो चलो। सेठ जी ने कहा नौकर ड्राइवर? बोले जी बग्घी निकालो, पंडित जी मेरे साथ चलो। अब सेठ जी पंडित कांपे, अब पकड़े जाएंगे। अब ठाकुर से मनावे, मैंने जीवन भर तेरी सेवा करी है, जीवन भर मन से करी है, तन से करी है, गरीब ब्राह्मण हूं, तेरी सेवा करते करते जीवन बीत जाए, मुझे अपनी सेवा से वंचित मत करो ठाकुर, कछु है जावे। अब मोबाइल फोन तो थाने की पत्नी को कह दे के बाल बदल दियो। जैसे ही पहुंचे और पट जो सेठ जी ने खोला है, ठाकुर जी के बाल काले से सफेद हो गए। ये है सेवा का प्रतिफल। आज भी मंदिर है लाला बाबू का, आप दर्शन करके देखो। गोपेश्वर के पास में है, गोदा बिहार के पास में है लाला बाबू। और महाराज ऐसे ऐसे भक्त सूर्य वंश में, और रघुनंदन राम का प्राकट्य भी सूर्य वंश में। एक प्राकट्य के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर दूं, अब रामचरितमानस तो कर नहीं रहा, 9 दिन करके आ गया हूं। ये रामचरितमानस नहीं है, राम जी का शरीर है, बालकांड भगवान के चरण है, अयोध्या कांड भगवान की कटी कमर है, अरण्य कांड भगवान का उदर है, और किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है, और सुंदर कांड भगवान की गर्दन है। सुंदर कांड भगवान की गर्दन है, और लंका कांड भगवान का मुख है। ये देखो लिखा है, उत्तर कांड भगवान का मस्तक है, बाल कांड प्रभु पाई अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बन्यो अरण्य हृदय किष्किंधा सोहे, सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कही गायो, जेही में रावण आदि निसाचर सर्व समायो। रामायण जीवन को जीने की शैली है, रामायण जीवन जीना सिखाती है, और भागवत भागवत सिखाती है मरना। आज की सुष्ठु सुंदर भाषा में अगर कहूं तो रामायण आर्ट ऑफ लिविंग है, तो श्रीमद् भागवत आर्ट ऑफ लीविंग है। हाउ टू लीव दिस वर्ल्ड स्मूथली हैप्पीली विदाउट एनी पेन, बिना कष्ट के संसार कैसे छूटे, ये है भागवत सिखाती है। रघुनंदन राम एक अध्याय में पूरी रामायण है। देखो सूर्य वंश में एक राजा हुए खटवांग, जिन्होंने दो मुहूर्त में, दो घड़ी में, 48 मिनट में मुक्ति पाली। खटवांग के हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के हुए रघु, रघु के हुए प्रतुश्रवा, प्रतुश्रवा के हुए अज, अज के हुए महाराज दशरथ, और महाराज दशरथ के महाराज भगवान साक्षात अंशों के सहित प्रकट होकर के आते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया, देवता पुष्पों की वृष्टि जयकार करते हैं। बोली रामचंद्र भगवान की, भरत लाल की, लखन लाल की, शत्रुघ्न लाल की, चारों लाल की, चारों भगवान की, अयोध्या नरेश की, जनकपुर के महाराज की, अयोध्या की प्रजा की, जनकपुर की प्रजा की,
अयोध्या के समस्त देवी देवताओं की, मिथिला के समस्त देवी देवताओं की, महाराज जनक की रानियों की, महाराज दशरथ की रानियों की, जय जय श्री सीताराम। गुरुवर थे त्यक्त राज्यों व्यचर धनुवन पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम प्रजत मधुर जो यो हरि त्रानुजाभ्याम वैरूप्यार्चूर्पणाख्या प्रिय विरहुषा वैरूप्यार्चूर्पणाख्या प्रिय विरहुषा रोपित भ्रूप जृंभ त्रस्ता फिर्भद्र सेतु खल दवदहना कौशले प्रोवतना। भगवान राम की रामायण राम के जन्म से नहीं, राम के वनगमन से प्रारंभ होती है। तो गुरुवर थे तख्त राज्यों से लेकर के और महाराज कौशलेंद्रो वतान्नः भगवान राजा हो गए, यहां तक पूरी रामायण कही गई है एक श्लोक में। राजा परीक्षित से कहा रामायण हो गई, अरे गुरु जी इतनी जल्दी रामायण? मैं राम जी का कम से कम, अगर भगवान कृष्ण का कृष्ण की लीला 90 अध्याय में गाओगे तो कम से कम 2-5 अध्यायों में कम से कम रामचरित्र भी तो गाओ। तो आगे चल करके 2 अध्याय में रामचरित्र करा गया है, 2 अध्याय में। अब ये रामचरित्र तो हम कल ही करेंगे, आज नहीं करेंगे। नहीं तो आज भी हमसे माटोलिया जी कहेंगे आज भी समय का अतिक्रमण कर लिया। आज होगा तो सही, बिल्कुल होगा अतिक्रमण आज भी, और आज नहीं होगा तो फिर कब होगा? हमने तो कल डेमो दिखाया था, अतिक्रमण तो होगा आज समय का, इसलिए होगा। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र नहीं है, ये तो लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की लीला है। राम और कृष्ण में अंतर क्या है? जो मर्यादा का उल्लंघन कभी ना करे वो राम है, और जो मर्यादा की परवाह कभी ना करे वही हमारा वृंदावन का घनश्याम बांके बिहारी है। कोई मर्यादा की परवाह नहीं, नहीं तो अष्टमी को भी पूरा चंद्रमा उदय हो रहा है। चंद्रवंश में परशुराम ययाति आदि सब हुए, परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का, पापी क्षत्रियों का संहार किया है। नारायण ये परशुराम जी क्षत्रिय धर्म को अपना लिए थे ब्राह्मण होते हुए, तब रघुनंदन राम ने जनकपुर में इनको पुनः ब्राह्मण धर्म अपनवाया है। हाँ, और उसके बाद देखो श्री कृष्ण ने एक क्षत्रिय जो ब्राह्मण धर्म अपना रहा था उसको गीता का उपदेश करके पुनः क्षत्रिय धर्म अपनवाया है, और इधर एक ब्राह्मण जो अपना क्षत्रिय धर्म अपना रहा था उसको रघुनंदन राम ने महाराज संवाद करके फिर से एक ब्राह्मण धर्म में प्रतिष्ठित किया है। इसके पश्चात में महाराज यदु का जन्म है, ययाति के पुत्र के रूप में। यदु जी महाराज के वंश में ही भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी का प्राकट्य होता है, वसुदेव जी का विवाह देवकी से होता है, देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कंस कर देता है, पिता को जेल में बंद करता है अपने, और अपने चाचा को जेल में बंद करता है। बहन की विदाई देता है तो आकाशवाणी सुनकर के कि 8वां बालक काल होगा, देवकी के केश पकड़ता है कंस, वसुदेव रोक लेते हैं, वचन देते हैं कि देवकी के जो बच्चे होंगे मैं तुम्हें सौंप दूंगा, जेल में बंद होना पड़ेगा, ये बात कह करके दोनों को जेल में बंद किया। एक एक करके देवकी के 6 बालक समाप्त किए कंस ने, 7वें गर्भ के रूप में शेष ने प्रवेश किया, माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिए गए हैं, 8वें गर्भ के रूप में भगवान कृष्ण का प्राकट्य है, और उसके पश्चात में वहां से जेल में से गोकुल पहुंचा दिए गए हैं। गोकुल भगवान रहे, वृंदावन भगवान रहे, नंदगांव भी लोग कहते हैं रहे, हम सबको स्वीकार रहे हैं, लेकिन बाद में मथुरा भी रहे, 34 वर्ष मथुरा रहे, 11.5 वर्ष लगभग वृंदावन रहे, ब्रज में रहे, और उसके बाद महाराज द्वारिका जा करके 125 वर्ष की आयु पूर्ण करके पृथ्वी का भार उतारते हुए भगवान का स्वधाम गमन हुआ। उद्धव को अंतिम उपदेश करके भगवान गए हैं, हे राजा परीक्षित तूने जितनी कथा सुननी थी मैंने सुना दी, कृष्ण कथा पूरी हो गई।
अरे प्रभु, आप इतनी जल्दी कथा कह जाओ, सारी कथा तो विस्तार से कहते हो। क्या करूं, नई जनरेशन बैठती है तो उनकी आगे इस तरह की कथाएं बोलना विवशता है। ये देखो, यहां पर भी नवीन कथाओं का प्रादुर्भाव हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। हमारे पवन जोशी जी भी आए हुए हैं, कथा कलकत्ते में भी हुई, यही प्रसंग रहा है, लेकिन इन प्रसंगों में भी परिवर्तन रहा है। अभी बहुत लंबा समय तो नहीं हुआ, अगर विचार करो इस एक महीने के अंदर कथा में इतना परिवर्तन हो सकता है, तो आप अगर हर साल कथा सुनेंगे तो कितना परिवर्तन मिल जाएगा। भगवान की कथा अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब दशम स्कंद प्रारंभ हो रहा है जिसका नाम निरोध है। अब भगवान के प्राकट्य उत्सव की कथा हम करते हैं। आइए बड़े प्रेम से इस प्रसंग में चलते हैं। राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। ब्राह्मण सारे हमारे पांडे जी यहां पर होंगे, ब्राह्मणों की जगह खाली जो पड़ी है पूरी भरवा दियो, नहीं दक्षिणा नहीं मिलेगी। हाँ, सवन को बैठाओ, अभी उत्सव दक्षिणा मिलने वाली है, इसलिए बैठा देना पहले से। और कोई कहे कि ब्राह्मण उधर है, दक्षिणा हाथ में दे दो तो नहीं मिलेगी दक्षिणा, इसलिए बैठा करके रखो। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नारायण। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान एक बात बता, मैं जो कथा सुनना चाहता हूं वो कथा कौन सी है? आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश की वंशावली वर्णन करी, बड़े बड़े राजाओं के अद्भुत चरित्र आपने वर्णन किए, लेकिन अब मैं उन कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूं जिन्होंने मां के गर्भ में मेरी रक्षा करी थी। अवतीर्य यगोर वंशी भगवान भूत भावन कृतवान यानी ऋषिवान माता नो वदन स्तरा। अवतीर्य यगोर वंशे, यगोर वंश में यदु और उरु दोनों वंशों का वर्णन है। यदु वंश कृष्ण और वैश्य वंश कृष्ण, दोनों कृष्ण कौन है? एक है वसुदेव नंदन और एक है नंद नंदन। अब मैं प्रमाण दे नहीं रहा हूं, मेरी वाणी को ही प्रमाण मानना कि दो कृष्ण हुए थे, दो कृष्ण एक ही मुहूर्त में दोनों का जन्म हुआ है और अलग अलग स्थान पर हुआ है। एक कृष्ण यही नहीं है कि ये वाले कृष्ण वहां पहुंचा दिए गए, वहां कृष्ण नहीं हुए, दोनों जगह कृष्ण का प्राकट्य है। एक कृष्ण चार हाथ के हैं जो वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी के पुत्र हैं, और एक कृष्ण दो हाथ के हैं जो यशोदा के और नंद बाबा के लाल हैं। मेरे पास सारे प्रमाण हैं, समय नहीं है अभी देने का। कंस मथुरा नगरी के राजा उग्रसेन का पुत्र है, मथुरापुरी। कंस अपने पिता से बैर मानता है। एक दिन विवाह होने के बाद जब कंस को लगा कि मैं अब शक्ति संपन्न हो गया हूं, तो एक दिन पिता के पास में आया है और पिता को प्रणाम करके राजमुकुट पिता का सिर का अपने सिर पर इसने पहन लिया है। पिता को क्रोध आया कि प्रणाम करने कभी आता नहीं था, आज प्रणाम करने आया तो मेरे सिर का मुकुट अपने सिर पर रख लिया, क्या समझता है मैं मर रहा हूं, मेरी प्रतीक्षा कर रहा है मरने की, नौकरों पहले से बंदी बनाओ। नौकरों ने सर नीचे कर लिया, बोले माय डियर फादर, ये नौकर अब आपकी नहीं सुनेंगे, ये कहते हैं बुड्ढे की सत्ता और आज्ञा पालन करते करते हम थक गए, इन्होंने मुझको अपना राजा स्वीकार लिया है, देखो मेरी आज्ञा कैसे मानते हैं। सेवकों स्वामी जेल में बंद कर दो बाप के लिए। आप विचार करना, इसको अन्यथा मत लेना,
माताएं आपके अंदर दोनों हैं, फूल भी और शूल भी। माताओं की क्षमता बहुत है, विचार करना। घर में बहू बन करके आए हो कहीं तो उस घर में ऐसा काम मत करना कि तुम्हारे पति के द्वारा तुम्हारे मैया बाप का अपमान हो जाए। आज तक का इतिहास हमें मालूम है और प्रमाण के साथ बड़े विश्वास के साथ हम कह रहे हैं, अगर कोई मैया बाप को निकाला गया है बच्चों के द्वारा तो विवाह के उपरांत ही निकाला गया है, विवाह से पहले नहीं निकाला गया। आप बताओ, एक भी एक ऐसा प्रमाण नहीं मिलेगा। हमें तो नहीं मिला, आपको मिले तो अपवाद हो सकता है, हम उसको प्रमाण नहीं मान सकते। अगर किसी माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजा गया बच्चों के द्वारा तो विवाह के बाद ही हुआ होगा। क्यों जी, गलत तो नहीं कह रहे? मेरी बात का आप समर्थन करते हैं? आप लोग माता है, मैं आपसे समर्थन मांगता हूं। इसलिए, और ऐसा नहीं कि विवाह के बाद में और सेवा बढ़ी ना हो, बढ़ी भी हो सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि माताओं आपके अंदर फूल भी है और शूल भी है। जब विवाह करके पीहर से ससुराल जाओ तो शूल को तोड़ दो, केवल पीहर में ससुराल जाकर के ससुराल में फूल खिलाओ, कांटे मत उगाओ। क्षमताएं बहुत हैं, सदुपयोग करो अपनी क्षमताओं का। नारायण, पति के आगे अपना रोना रोगी दुखी रहोगी तो पति तुम्हारे प्रति सिंपैथी करता होगा, मैया बाप से कुछ ना कुछ उल्टा बोल जाएगा। आपका मामला आप निपटाओ। पति के आगे सास ससुर को लेकर के रोना धोना, ननद को लेकर रोना धोना क्यों? उसके भीतर में क्यों तुम उफान दिला रहे हो? मत करो ऐसा काम। कंस ने भी शादी के बाद ही किया है। क्यों? कंस को जब पता लगा ससुराल जरासंध मेरा ससुर है और महाराज दहेज मोटा तगड़ा आया हुआ है, सैन्य बल मेरे साथ है, मेरे ससुर इतने तगड़े हैं तो मेरा बाप क्या बिगाड़ेगा मेरा, जेल में बंद किया। चाचा कंस के चाचा देवक ने समझाया, कंस ने उन्हें भी जेल में डाल दिया। माय डियर अंकल, चाचा श्री जाओ, आप भी जेल जाओ, नौकरों लेकर जाओ, बड़ा सम्मान करना इनका। दोनों जेल में। अब कितना भी बुरा हो, बहन तो छोटी है, उससे प्रेम तो कर रहा है। इसने अपनी बहन से कहा, बहन चिंता मत कर, तेरा विवाह मैं करूंगा बाप बनकर धूमधाम से। वसुदेव के साथ ब्याह पक्का किया, वसुदेव ने स्वीकारा, खूब दान दहेज दिया, दहेज में कोई कमी नहीं छोड़ी कंस ने। बहन की विदाई करते समय कंस की आंख के आंसू देख करके मंत्री ने कहा, महाराज रोने का कारण? बोले, बहन विदा हो रही है और कारण पूछ रहे हो? महाराज यदि इतना प्रेम अपनी बहन से है तो खुद विदाई क्यों नहीं दे रहे हो? कंस ने हटाया सारथी को, घोड़ों की लगाम हाथ में पकड़ी, घोड़ों को लेकर दौड़ाता है और पीछे बहन की ओर देखता जाता है। बहन आती जाती रहना। हाँ भैया, 10 कदम दूर घोड़े पहुंचे होंगे, आकाशवाणी हुई, रे पापी कंस, जिस अपनी बहन को तू इतने प्रेम से विदाई दे रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न, आठवां बालक, तिरकाल होगा, अस्यस्यास्तमो गर्भो हन्तायां महसे बुधा। जो महाराज, कंस ने सुना तो बहन के प्रति जो प्रेम था उसका तो बुखार उतर गया और हृदय में द्वेष दग्ध हुआ। कंस ने बहन के केश पकड़े, भगनीम हंतुमारब्ध खड़ग पाणी कचे ग्रही, बहन के बाल पकड़े, तलवार निकाली, बहन मुझे क्षमा करना, मौत का पता लगने के बाद मैं अपनी मौत को जड़ से मिटाने जा रहा हूं, अर्थात तुझे मारने जा रहा हूं।
जो मारने लगे वसुदेव रस से कूद करके आए, कंस का हाथ पकड़ लिया। महाराज कंस ये क्या करने जा रहे हैं? श्लाघनीय गुण शूरैर भवान भोजे यशस्कर, अपनी वीरता को कलंकित करेंगे। कंस ने कहा आकाशवाणी क्या तुमने नहीं सुनी? इसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक मेरा काल होगा, तो बहन को मार दूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कंस ने कहा, तो वसुदेव कहते हैं आज तक ऐसा कोई एक बता दो जो जन्म लेकर आया हो और मरा ना हो, हर किसी को जाना होता है। जीवन हर क्षण मौत की धार पर चल रहा है, मृत्यु रूपी तलवार की धार पर यह जीवन है, न जाने कब क्या हो जाए। समय का कोई भरोसा नहीं। आहा, एक डाल पर दो पक्षी बैठे, कबीरदास की वाणी है, एक डाल दो पक्षी बैठे। हंस को तो अकेला उड़ना है, हम यहां गीत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। सांकेतिक भाषाओं में हमारे अपने लोग हमको संकेत भी दे देते हैं तो हम छोड़ देते हैं, गीत क्यों करें? समय नहीं है तो नहीं भी करेंगे। मैं इतना कह दूं, दो पंक्ति गा दूं, उड़ जाएगा हंस अकेला, दो पंक्ति मैं बिल्कुल बिना रिदम के गा दूंगा, कोई भजन में ना ले ले इसको। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। अब गोविंद देव जी भगवान के लिए पूरा गाओ। उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, वो जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का जाता है जी, जैसे एक बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा घना पेड़, और उस पर एक पत्ता गिरा, किधर गिरेगा किसी को पता है क्या? हवा जिधर ले जाएगी उधर ही तो गिरेगा। जीव जब इस देह को छोड़ता है तो किधर जाएगा? उसके कर्म जिधर हवन ले जाएंगे, और लोग देखेंगे हम पत्ते को पकड़ लेंगे, आह किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, अचानक एक अंदर आया उड़ा कर लेंगे। जैसे पात गिरे तरुवर के, जैसे पात गिरे तरुवर से, जैसे पात गिरे तरुवर के।
देखो नीचे तुमने हिटलर शाही शासन किया, सब पर शासन किया। कई लोग तो अपने घर के किसी ऐसे बड़े का नाम भी अपने मोबाइल में हिटलर लिख देते हैं। हाँ, अब मर करके पहुंचा ऊपर, तो ऊपर भी यमराज से भी हिटलर शाही शासन चालू हो गया, वहां पर भी झमेला। लेकिन यमराज के दूतों को नहीं जानते, बड़े खूंखार हो। यम के दूत बड़े मरे दूत, यम के दूत बड़े मरे दूत, जब होवे उमर पूरी, जब होवे उमर पूरी, जब बनेगा कि गुरु भी सब जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। दास कबीरा पर के गुण गावे, दास कबीरा पर के गुण गावे, बाहर को करने वाला हो, गलत कोई भी करने वाला हो, तो उसे कोई समझा रहा हो ऐसा मत करो, अरे हम तो हमारे तो गुरु जी ने कहा, हमारे गुरु जी जो कहे वही सही है, ऐसे नहीं। गुरु जी भी शास्त्र सम्मत कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? अगर गुरु जी भी शास्त्र सम्मत नहीं कहे तो उनकी भी मत सुनना, और कोई अंधा भगत बन जाए कि हमारे गुरु जी ने कह दिया हम तो वैसा ही करेंगे, तो होगा क्या? गुरु की करनी गुरु जाएगा, गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेले की करनी जाकर के निर्णय क्या हुआ? कंस ने यही कहा कि बुद्धि का बल है, तब तक मृत्यु को टालने का प्रयास हर कोई करता है, तो कहा मेरे काम करो,
तुम्हें देवकी से भय तो नहीं है? देवकी के बच्चों से भय है? हाँ, मैं शूरसेन का पुत्र वचन देता हूं, देवकी के बच्चों को तुम्हें सौंप दूंगा। जेल में डाल दिया देवकी वसुदेव को। पहला पुत्र जन्म लेकर आया, उसका नाम कीर्तिमंत, कीर्तिमंतम प्रथमजम। देवकी छाती लगाती है, कंस कह वसुदेव कहते हैं देवकी इतना प्रेम मत कर, रोना पड़ेगा तुझको, ला मुझे, एक कंस के हाथ ही मरेगा। देवकी कहती है मां जन्म देती है लेकिन पिता रक्षा करता है, ये आपके ऊपर है, आपको सौंप रही है। वसुदेव लेकर के और कंस के पास जाते हैं। कंस ने देखा वसुदेव जी कैसे आना हुआ, बोले वचन के अनुसार पहला बालक लेकर आपके पास आया। वाह, आप सत्यवादी हैं, झूठ नहीं कहते, इसलिए आपने अपना वचन पूरा किया। आप ले जाइए इस बालक को, इस बालक ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमारा बालक तो आठवां काल है, आपका आठवां बालक काल है हमारा, इसलिए पहले ने क्या बिगाड़ा। वसुदेव सोचे कि पापी के हृदय में दया कहां से उत्पन्न हो गई। लेकर के चलने लगे, नारद जी का आगमन हुआ, नारायण 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 नारायण। कंस ने प्रणाम किया, गुरुदेव आपका आगमन शुभ हुआ। अरे बाद में बता आगमन की बात, ये बता वसुदेव को तूने क्या दिया अभी। लाल लाल कुछ लेकर जा रहा था, खंडारी अनार लेकर जा रहा था, टमाटर लेकर जा रहा था, क्या लेकर जा रहा था? अरे नहीं नहीं, अपना बालक लेकर आया, बालक लेकर गया। क्यों? वो वचन दिया था ना कि बच्चे सौंप देगा, लेकिन पहला काल तो मेरा तो आठवां काल है, तो पहले को छोड़ दिया। बोले कंस तू पढ़ा लिखा है कि नहीं? बोले महाराज दसवीं फेल हूं, जब ही तू कुछ नहीं जानता है, गणित तुझे नहीं आती। बोले क्या गणित? आठ लाइन खींची, बता इनमें से आठवां कौन सा, पहले से गिने अंतिम आठवां, अंतिम से गिने पहला आठवां। आठ कमल के पत्ते निकाले, पुष्प निकाला आठ कमल, आठ पत्तों का, बता इसमें से पहला, पहले से गिने अंतिम आठवां, दूसरे से गिने पहला आठवां, तीसरे गिने दूसरा आठवां, चौथे से गिने तीसरा आठवां, बच्चूराम कोई भी आठवां हो सकता है। अरे गुरु जी गणित का ये चमत्कार है? बोले यही चमत्कार है, अभी रुक जाओ आपके सामने मारता हूं उस बालक को, लेकर के आता हूं। बोले मेरे सामने मारा मारी का काम मत कर, जो तुझे करना है वो अपना कर। महाराज इधर चल पड़े। नारद जी जाने लगे, कंस ने कहा गुरुजी भूलने लग जाऊं तो समझाने जरूर आ जाना। बोले चिंता मत कर, ऐसा समझाऊंगा तेरा पूरा ही कल्याण कर दूंगा। ये जाने ही नहीं कि जीने में कल्याण के मरने में। इधर से महाराज कंस चला, वसुदेव ने देवकी को सौंपा ही था बालक कि तुरंत ही महाराज पांव पकड़ करके खींचा और पत्थर पर पटक करके मार दिया, प्राण निकल गए इस बालक के। एक एक करके छह बालक कंस ने समाप्त किए। भगवान ने क्यों नहीं मारा? बोले पापी का पाप जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक मरेगा कैसे, भगवान कैसे आएंगे, पाप का घड़ा भर जाने दो। सातवें गर्भ के रूप में शेष ने प्रवेश किया, भगवान ने आज्ञा दी, योग माए आज्ञा प्रभु, मेरे बड़े भैया हैं अवतार लेकर आने वाले हैं, इनको माता रोहिणी के गर्भ पहुंचा दे। रोहिणी माता के गर्भ पहुंचाए गए और कहा तुम यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लो जाकर, तुम्हारे कई नाम होंगे, शारदा अंबिका कन्निकेती नारायणी ईशानी भद्रा, हर घर में तुम्हारी पूजा होगी। भगवान तुरंत आज्ञा देते हैं, सातवां गर्भ रोहिणी माता के गर्भ में। लोगों में हल्ला मच गया कि पापी कंस ने अपनी बहन का सातवां कच्चा गर्भ ही गिरवा दिया। और आठवें गर्भ के रूप में भगवान कृष्ण गर्भ में प्रविष्ट होते हैं। देवताओं ने आकर स्तुति करी है बड़ी भारी। देवकी कहती है इस बालक की रक्षा कर लो, और देवता कहते हैं माता हम क्या रक्षा करेंगे, ये बालक तो वो है जो हम सबकी रक्षा करेगा। चारों तरफ पहरेदारी कड़ी हो गई। कंस की स्थिति कैसी है जानते हो? नेक पेड़ के पत्ता हिल जाए कृष्ण आया, नेक खिड़की हिल जाए कृष्ण आया, भोजन की थाली कटोरी दाल की उसमें काला जीरा कृष्ण आया, हालत खराब हो गए। एक है एक जीरा, बोले ये कृष्ण है और लोग कहे हमारा जीरा है, और कंस कहता है अरे ये जीरे का छोंक नहीं कुछ पड़ा दाल में काला है, जीरा बन करके तैर रहा ये काला भन। बड़ा दाल में काला है, जीरे का छोंक
आपके कारण ही होती है भाव। ये शरीर भी सत्य तब तक जीता है जब तक आप हैं इसमें। आपकी प्रतिष्ठा होने के कारण ये शरीर भी सत्य दिखाई देता है, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा यहां से हटी ये शरीर भी मरा हुआ हो जाता है। आप हो तो ये संसार सत्य दिखता है, आपके कारण ही सत्य दिख रहा है। आप ही इस संसार की सत्यता में मूल कारण हो। ये संसार बाहर से जड़ है, लेकिन चैतन्य क्यों दिखता है? क्योंकि आप इसके अंदर बैठे हुए। ये संसार जड़ है। अच्छा देखो, उपजाऊ खेती को हर कोई पाना चाहता है, बंजर भूमि को कोई नहीं पाना चाहता। भूमि तो भूमि है, लेकिन ये उपजाऊ है, ये बंजर है। बंजर जिसमें शक्ति नहीं है, चैतन्यता नहीं है, इसलिए कोई नहीं पाना चाह रहा, और उपजाऊ भूमि को हर कोई पाना चाह रहा है। आपकी सत्य की प्रतिष्ठा के कारण ही सब कुछ है। स्तुति करते देवता वहां से एक एक करके गए। अब भगवान के अवतार लेने का समय आ गया। बहुत बढ़िया। रोहिणी माता ने कही, अरे लाल, क्या मेरे गर्भ को तू ये सौभाग्य नहीं दे सकता था जो देवकी के गर्भ को दिया? क्या मैं रोहिणी तेरी मां बनने लायक नहीं थी? मैं भी तो वसुदेव की पत्नी हूं, ये सौभाग्य मुझको मिल जाता। भगवान ने कहा, मैंने भेजा ना अपना बड़ा भैया, वो तेरी कोख से जन्म लेकर आएगा। बोले, बड़ा भैया मेरी कोख से जन्म लेकर आएगा सो ठीक, छोटा भैया क्यों नहीं आ रहा? ये सौभाग्य मुझे क्यों नहीं मिला जो देवकी को मिला? बोले, बात ऐसी है, देवकी छोटी है ना और तू बड़ी है, तो बड़ी के गर्भ से बड़ा भैया आवे और छोटी के गर्भ से छोटा भैया आवे तो सिद्धांत की बात है। बोले, कन्हैया अभी जन्म लेकर आई भी नहीं हो और अभी से इतनी बातें बनाना सीख गए। कहा, मेरे गर्भ को सौभाग्य कब प्रदान करोगे? बोले, माता इस जन्म में तो आ गया, लेकिन आप क्या चाहती हो? बोले, इसी जन्म में चाहती हूं कि रोहिणी को भी ये सौभाग्य मिले। तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो माता, अब मैं इस मर्यादा का भी दूसरी तरीके से निर्वहन करूंगा। बोले, कैसे? बोले, रोहिणी माता आपके गर्भ से भले ही मेरे बड़े भाई बलराम जन्म लेकर आएंगे, लेकिन 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र है, उस रोहिणी नक्षत्र के गर्भ से एक कृष्ण जन्म लेकर आएगा। तो रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ और इधर रोहिणी माता के गर्भ से बलराम जी। भगवान ने सबकी इच्छाएं पूरी करी है, बाई हुक और बाई क्रुक। ये है श्री कृष्ण हर तरह से। श्री सुखोवाच, अथ सर्व गुणों में काला परम शोभना। सुंदर समय आ गया, काल बड़ा पवित्र हो गया। भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, मंदम मंदम जलधरा, आकाश से भीनी भीनी वर्षा की बूंदें हो रही हैं। पृथ्वी अपनी गोद में मंगल को लेकर नाच रही है, दसों दिशाएं प्रसन्न हो गई हैं। और तो और क्या कहें, यज्ञ कुंड की अग्नियां जो बुझी पड़ी थी अपने आप प्रज्वलित हो गई हैं। मंदिर के घंटे घड़ियावल बजना प्रारंभ हो गया है, शंखनाद होना प्रारंभ हो रहा है, देवता शंखनाद कर रहे हैं गगन में खड़े होकर के।
भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार, मध्य रात्रि, चंद्रमा पूर्ण उदय है, ये भी मर्यादा छोड़कर आया है। रामावतार में सूर्य को सौभाग्य मिला है, एक महीने तक दर्शन किया, कृष्ण अवतार में चंद्रमा को वो सौभाग्य मिल रहा है। और महाराज निशी थे तम उद्भूते जाय माने जनार्दने भादों के महीना कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र बुधवार मध्य रात्रि चंद्रमा के पूर्ण प्रकाश में संसार को प्रकाशित करने वाला परात्पर परमात्मा आज देवकी माता के गर्भ से जन्म लेकर आ गया है। देवता पुष्पों की वृष्टि जयकार कर रहे हैं। बाल कृष्ण लाल की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। भगवान कैसे प्रकट होकर आए, जैसे अंधकार को चीरता हुआ सूर्य प्रकट होकर के गगन में पूर्व दिशा की ओर आता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर आए हैं। कैसा अवतार भगवान का है। तम अद्भुतम बालक मम मोदे क्षणम कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण चतुर्भुजम